और अब बात करते हैं हड़ताल की। हरियाणा में आशा वर्कर्स की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। आशा वर्कर्स न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने समेत ऐसी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर हड़ताल कर रही है। कैथल में लघु सचिवालय पर आशा वर्कर्स हड़ताल पर बैठी हैं। आशा वर्कर्स ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारी हड़ताल 8 अगस्त से शुरू हो रही है और ये ऐसे ही 5-5, 4-4 दिन करके आगे बढ़ा दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। और हम तकरीबन सभी जो हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के विधायक पड़ते हैं सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो किसी हमारे जिला सचिव मंडल को या राज्य सचिव मंडल को किसी को भी बात करने के लिए भी नहीं बुलाया अभी तक। हड़ताल पे सर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सरकार काम तो आशा वर्कर से इतना सोचती है, अभी डॉक्टर की उपाधि तक सारे काम नीचे से लेके ऊपर तक आशा ही कर दे, और लेकिन तनख्वाह के नाम पे सिर्फ 4,000 रुपये और कुछ इंसेंटिव। हमें एक बिना डिग्री के डॉक्टर तो बना दिया गया सर, लेकिन हमें एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। एक हमें मजदूर का वो भी नहीं समझा जा रहा है, जो एक मजदूर को मिलना चाहिए था। कम से हमें मजदूर तो माने सरकार, जो मजदूर का वेतन वो भी कम से कम 25-26 हज़ार तो वो भी लेते होंगे सर, क्योंकि हम 4,000 में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं दिन रात और हमारा मिलता क्या है, सिर्फ 4,000। पूरे हरियाणा में आशा वर्कर 8 अगस्त से हड़ताल पर बैठी हैं और लगातार हड़ताल को आगे बढ़ाई जा रही है। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार ने इतने दिनों से ना तो हमारे से कोई बात की है ना ही हमारी मांगों को सुना है। इसके लिए कई बार ज्ञापन भी दे चुकी हैं विधायकों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से, कई बार ये अपने ज्ञापन भी दे चुके हैं परंतु इनसे कोई बात नहीं की गई। आशा वर्करों का कहना है कि काम तो इनसे 24 घंटे लिया जाता है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है, इनको एक तरह से बिना डिग्री का डॉक्टर भी माना जाता है कि काम तो इनसे पूरा लिया जाता है और वेतन केवल 4,000 रुपये ही मिलता है, कुछ इंसेंटिव मिला के 7,500 रुपये ही मिलता है। इनका कहना है कि सरकार हमें मजदूर भी नहीं मान रही है। हमारी इनकी मांग है कि जब तक इनका वेतन न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये नहीं किया जाता ये इसी तरह हड़ताल पर रहेंगी, क्योंकि 4,000 में घर का गुजारा होना मुश्किल है। और इनकी एक और मांग है कि सरकार इनके शीर्ष नेताओं को बुलाए, उनसे मीटिंग करे, उनसे बात करे ताकि ये हड़ताल ख़त्म हो और ये भी अपने काम पर जा सकें। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया।